हेलो दोस्तों, यह सेटअप है एमसीबी बॉक्स का। हाउस वायरिंग में इसे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये है आइसोलेटर 40 एम्पियर का और ये आरसीसी भी है। हाउस वायरिंग में इसे लगाना बेहद ही ज़रूरी होता है। ये हमें करंट लगने से बचाता है, तो इसे घर में अवश्य लगाएं। ये 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर की है। यह सेटअप हम एमसीबी बॉक्स में फिल करेंगे। ये हमने सेटअप तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसे लगाएंगे। पहले हम बाकी वायर को सही तरीके से, सारी लाइनें हम अलग अलग कर लेंगे। न्यूट्रल अलग, अर्थिंग अलग, इन्वर्टर लाइनें अलग, मेन लाइनें अलग। उसके बाद हम इसे लगाएंगे, फिर उसके बाद कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले न्यूट्रल वायर निकाल लिए हैं, उनको सही तरीके से ट्रेसिंग कर लिया। बाकी का सामान लगाने से पहले हम घर की जितनी भी लाइनें होंगी, उन लाइनों में जो न्यूट्रल होंगे, पहले हम उनको लगा लेंगे। उनको लगाने में हमारा ये बेनिफिट रहेगा, हमें सारा सामान लगाने में आसानी होगी, नहीं तो वो वायर में दिक्कत करते हैं। इससे पहले हम न्यूट्रल को न्यूट्रल बार में लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम एमसीबी आरसीसीबी भी सामान लगा रहे हैं उसको लगाएंगे। यहाँ हमने फर्स्ट में आइसोलेटर, सेकेंड में आरसीसीबी और उसके बाद हम एमसीबी लगा रहे हैं। एमसीबी हमने हर रूम की अलग लगाई है। अब करते हैं इसके कनेक्शन। सबसे पहले हम आइसोलेटर में जो हमारी मीटर से लाइन आती है उसे लगाएंगे और उसे हम नीचे की तरफ लगाएंगे। इनपुट लाइन हम नीचे देंगे और आउटपुट हमारी ऊपर से निकलेगी। तो पहले हम मीटर से जो लाइन आ रही है उसको हम लगा लेते हैं। इस तरीके से हम यह मीटर लाइन लगा रहे हैं पहले। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कनेक्शन को अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, लूज न रहे। अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देंगे और खींच के देख भी लेंगे। और ये वायर जहाँ पे हमने सारे घर की लाइनों के न्यूट्रल लगाए थे वहाँ से आ रही है, इसे हम आरसीसीबी के न्यूट्रल पे लगाएंगे। आरसीसीबी का आउटपुट नीचे से होगा तो हम नीचे इसे लगा देंगे। इनपुट ऊपर से और आउटपुट नीचे से आरसीसीबी में। तो इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं जिससे ये वायर नीचे दबने न पाए, इसलिए इसको हम पहले लगा देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ अभी आरसीसीबी में कनेक्शन कर रहे हैं आउटपुट के, उसके बाद इनपुट कनेक्शन करेंगे। इसलिए कि वायर हमारी दबे ना, इसलिए हम इसे हम पहले इसे कनेक्शन कर देंगे। हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर लिया है, अब फेस वायर भी कनेक्ट कर लेंगे आरसीसीबी से एमसीबी में। इसे हम लगा देंगे। वायर लगाने से पहले हम सभी एमसीबियों को पहले हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इस वायर को एमसीबी में लगा देंगे बीच में। पहले हम सभी स्क्रू लूज करते हैं, फिर उसके बाद एमसीबी कनेक्टिंग ब्लेड से सभी एमसीबियों को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। इस तरीके से हमारी सभी एमसीबी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम मेन वायर बीच में लगाएंगे। पहले हम थोड़ा वायर को छील लेंगे अपने ज़रूरत भर का, फिर उसको थोड़ा बैंड करके जिससे मोटा वायर हो जाए, स्क्रू लूज करके इस मेन वायर को बीच में लगाएंगे। ये हमने बीच में एक स्क्रू लूज किया और यहीं पे हम इसको लगा देंगे। प्रॉपर तरीके से लगाना है, स्क्रू बिल्कुल लूज ना रहे। अभी हमने आउटपुट कनेक्शन पूरे कर लिए हैं। कुछ इस तरीके से हमने सभी कनेक्शन आउटपुट के मेन वाले कनेक्शन हमने कर लिए हैं। अब इनपुट कनेक्शन करेंगे। ऊपर से हम आइसोलेटर के ऊपर वाले पोल से
और आरसीसीबी को ऊपर वाले पोल में फेस फेस तरफ और न्यूट्रल न्यूट्रल तरफ लगा देंगे। दोस्तों आरसीसीबी का कनेक्शन करते समय खास ध्यान रखना होगा कि हमारा जिधर एल लिखा है तो उधर हमारा न्यूट्रल लगेगा, जिधर तो फेस लाइन हम उधर ही लगाएंगे जिधर हमारा एल लिखा रहता है, तो इसका खास ध्यान रखना है नहीं तो हमारी आरसीसीबी काम नहीं करेगी। तो हमने पहले फेस लाइन लगा लिया है, अब इसके बाद हम न्यूट्रल पोल में इस पोल से और इस पोल में जिधर हमारी नोब रहती है उधर हमारा एल रहता है आरसीसीबी में, और जिधर हमारी पुश बटन रहती है उधर हमारी लाइन रहेगी फेस लाइन। तो हमने दोनों लाइनें इनपुट की लगा ली है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने एमसीबी बॉक्स की ड्रेसिंग कर ली है, जो हर रूम की सर्किट गई है। न्यूट्रल हमने पहले लगा लिए थे, अब हम फेस वायर लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने ड्रेसिंग की है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये हमारी मेन सप्लाई है जो हमारी मीटर के लिए जा रही है, मीटर हमारा बाहर रहेगा। तब तक रहे दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय।